Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. अब स्टारबक्स बेचेगा चाय और पकौड़े, सुनकर थोड़ा चौंक गए ना। दरअसल ये सच में होने वाला है। भारतीयों की पसंद को देखते हुए स्टारबक्स अब अपने मेन्यू में बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी इंटरनेशनल ब्रांड ने भारतीयों के लिए अपने स्वाद को बदला हो। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। खासतौर पर फूड और बेवरेजेस बनाने वाली कंपनियों ने अपने मेन्यू में देसी तड़का लगाया है। कौन से हैं वो ब्रांड और कब कब लाया गया विदेशी स्वाद में भारतीय तड़का, चलिए जानते हैं। आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं स्टारबक्स के साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारबक्स भी भारत में अपनी इंडियन सोल ढूंढ रहा है, यानी कि जल्द ही स्टारबक्स के मेन्यू में भी आपको बदलाव नजर आएगा। बताया जा रहा है कि कंपनी अपने मेन्यू में मसाला चाय और गर्मा गर्म फिल्टर कॉफी पेश करने की तैयारी में है। आपको बता दें, स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी हाउस कंपनी है। इस कंपनी के अकेले अमेरिका में ही 11,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं, वहीं कनाडा में 1,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं और यूरोप में 700 से ज्यादा स्टोर्स हैं। मगर भारत में कंपनी उतनी कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि भारतीयों के कॉफी का स्वाद बाकी दुनिया के कॉफी स्वाद से काफी अलग है। भारतीयों का आमतौर पर थोड़ा मीठे की तरफ झुकाव रहता है, इसलिए वे कॉफी भी मीठी ही पीना पसंद करते हैं। बाकी दुनिया में लोग थोड़ा डार्क या यूं कह लीजिए कि फिल्टर कॉफी पसंद करते हैं। इसके अलावा भारतीय लोग कॉफी से ज्यादा चाय को तरजीह देते हैं। भारतीयों की पसंद को देखते हुए ही स्टारबक्स अब अपने मेन्यू में बदलाव लाने की तैयारी में है। स्टारबक्स अपने मेन्यू में मसाला चाय और फिल्टर कॉफी के साथ साथ स्ट्रीट स्टाइल वाले सैंडविच, मिल्क शेक और स्नैक्स भी शामिल करने वाला है। स्टारबक्स अपने मेन्यू में बदलाव लाने से पहले इसका परीक्षण भी कर चुका है। स्टारबक्स ने पहले भारत के 4 बड़े बाजारों में यानी बेंगलुरु, भोपाल, इंदौर और गुड़गांव में इस मेन्यू का परीक्षण कर लिया है, जो कि सफल भी रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी इंटरनेशनल ब्रांड ने भारतीयों के लिए अपने अंदर बदलाव लाया हो। इससे पहले 1980 के दशक में नेस्ले ने अपने मैगी के स्वाद को बदला था। नेस्ले ने मैगी ब्रांड के लिए हॉट एंड स्पाइसी सॉस मसाला दिया था। फिर पिज्जा हट ने पनीर पिज्जा पेश कर दिया और मैकडॉनल्ड्स के प्रसिद्ध मैकालोटी की बर्गर भी केवल भारतीयों के लिए ही है। वहीं अब इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन की इस लंबी लिस्ट में स्टारबक्स का नाम भी शामिल होने जा रहा है। आपको बता दें, भारत में स्टारबक्स की स्थिति अपने प्रतिद्वंदियों कैफे कॉफी डे और मैकैफे की तुलना में प्रीमियम है, जिनकी कीमतें काफी कम है। स्टारबक्स ने अक्टूबर 2012 में भारतीय बाजार में एंट्री की थी। धीरे धीरे इसने काफी विस्तार किया और हर हफ्ते एक स्टोर खोला। भारत में अब तक स्टारबक्स के लगभग 268 स्टोर खोले गए हैं।